पुलिस कर्मी को, लेकिन आंगनबाड़ी को कुछ नहीं दिया गया। घर में 5 फैमिली हम लोग लगे रहते हैं, हस्बैंड करते हैं, बेटा करते हैं, बेटी करते हैं, और काम करवाते हैं, कहते हैं कि नहीं काम करोगे तो चैन मुक्त कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। हम अभी डाक बंगला चौराहा पे हैं। डाक बंगला चौराहा के आसपास देख सकते हैं आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी, इनका कहना है 5,000 में दम नहीं और 20,000 से कम नहीं। इनका साफ तौर पे कहना है, सरकार से आह्वान है कि कम से कम हमें 20,000 रुपया मानोदय और सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। आइए कुछ महिला आंगनबाड़ी कर्मचारियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर क्या उनकी शिकायत है जो आज यहाँ पे डक बंगला चौराहा पे आके धरना प्रदर्शन करने को विवश है। सरकार को गद्दी से उतारेगी तो सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी उतारेगी। आप लोग उतार के रहिएगा। बिल्कुल उतार के रहेंगे हम। हम जहाँ न जाए घोड़ा गाड़ी वहाँ जाए आंगनबाड़ी, जो न करे घोड़ा गाड़ी वही करेगी आंगनबाड़ी। नीतीश कुमार को रोड पे आना होगा। जिस तरह हम चिल्ला रहे हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, उनको भी गद्दी से उतारेंगे, उनको भी तड़पाएंगे, नहीं तो वो कान खोले, हमारी मांग को सुने और पूरी करे। कोरोना काल में आप लोगों ने क्या क्या काम? हम जो कोई भी काम नहीं कर पाता है वो सिर्फ आंगनबाड़ी करती है। घर घर जाकर बच्चों को बुलाएं, सारे महिला लोगों को सुई दिलवाएं, सर्वे कराएं, बहुत सारा हम लोग को लॉकडाउन में काम कराए। कोरोना के घूम घूम कर घर घर एक एक परिवार बाल बच्चा छोड़कर हम लोग बच्चे सबको बुलाए हैं। मर गई बहुत सारी सेवा, राशि नहीं मिला, काम करवाया नीतीश कुमार आंगनबाड़ी से और प्रोत्साहन राशि दिया गया स्वास्थ्य विभाग को, पुलिस कर्मी को, लेकिन आंगनबाड़ी को कुछ नहीं मिला। नहीं दिया गया आप लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिला। इस कोरोना काल में हमने अपने बाल बच्चे को साइड रख के अपनी जान को बलिदान करके इस बिहार की रक्षा किए हैं और हमारी मांगे सरकार नहीं सुन रही है। कोई आया अभी तक बात करने? इतना देर से चक्का था, नहीं आया, एक भी नहीं। इतना काम किया बच्चे लोग को एक बगल करके पर कोई नहीं आया तो हम भाग जाएंगे। हम लोग भागने वाला महिला नहीं है, हम भारत के नारी हैं। फूल नहीं चिंगारी है। हम 29 तारीख तक बैठे रहेंगे, इसी तरह धूप में चिल्लाते रहेंगे और नीतीश कुमार को पैखाना पिशा भोजन नींद सब हराम करेंगे। सरकार बोलती है महिलाओं को बराबरी का अधिकार देंगे, पर यह सरकार की कैसी नीति है? पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता है यही काम के लिए और महिलाओं को कम से कम वेतन दिया जाता है। हाँ तो यही तो सौतेला व्यवहार नीतीश कुमार के। जब उनको वोट लेना होता है तो आते कहते हैं कि आपको बराबर का हिस्सा है, हर चीज में बराबर है। लेकिन अब महिला सारी बात को उनको समझ चुके हैं, हम लोग भी समझ चुके हैं। लेकिन हम लोग जेंट्स को साथ देते हैं, हम ही लोग का जब काम हो रहा है तो कोई भी जेंट्स आके हाथ उठा दे रहे हैं, धक्का धुक्की कर रहे हैं। जेंट्स देख रहे हैं आप ही लोग के सामने, कोई लेडीज को धक्का मार के क्यों चला गया? हम लोग की क्या है थी? हम लोग यहाँ उतरे हुए हैं, फिर भी हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है। लेडीज समझ के हम लोग ऐसे नीतीश क्या कीजिएगा? देखिए ये एक सेंसिटिव चौक है यहाँ। नीतीश कुमार क्या जानेंगे? नीतीश कुमार की वाइफ है, नीतीश कुमार के जब खुद वाइफ नहीं है तो महिला के दर्द क्या समझेंगे? वो तो बोलते हैं महिलाओं की सरकार है, महिलाओं के लिए आए हैं, शराब बंदी की है, जो भी शराब बंदी क्या बंद किया है? पहले जो 20 रुपया में शराब मिलता था, अब तो नीतीश कुमार घर घर डिलीवरी करवा रहे हैं। 20 रुपया वाला 200 में पैकेज मिल रहा है तो उनको तो और इनकम बढ़ गया है। क्या शराब बंदी करवा है? हम तो कुछ नहीं समझ रहे हैं। शराब बंदी तो एकदम भी नहीं हुआ है। हम लोग नारी जो पुरुष महिलाओं पर अत्याचार, क्या उसके घर में माँ नहीं है, उसके घर में बहन नहीं है, उसकी बेटी नहीं है? उनको साथ देना चाहिए कि हमारी बहन हमारी माँ रोड पर अपने पेट के लिए लड़ रही है, अपने बाल बच्चा के लिए लड़ रही है। क्या नीतीश कुमार को ये नहीं है कि जहाँ टीचर ड्यूटी करे उसको 50,000, लेकिन हम लोग दिने रात 2400 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, बस 5,000 5,000 में 5 फैमिली हम लोग लगे रहते हैं, हस्बैंड करते हैं, बेटा करते हैं, बेटी करते हैं, और काम करवाते हैं, कहते हैं कि नहीं काम करोगे तो चैन मुक्त कर दिया जाएगा। धमकी भी मिलता है, धमकी भी दिया जाता है, नहीं काम करेंगी चैन मुक्त किया जाएगा। लेकिन अब उनकी नीति को महिला लोग हम लोग समझ चुके हैं, अब सहने वाले हम लोग नहीं है। मोदी सरकार से लड़ने के लिए उनका एसी में बैठे हैं तो कहा हम लोग एसी से बाहर खींच के लाएंगे। हम लोग इतना हम लोग में ताकत है।
आप लोग डक बंगला चौराहा पे है, डर नहीं लग रहा है कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई? अपने अपने हक के लिए हम लोग आए हैं। पेट भूखे जो मरता है तो कान मरता क्या नहीं करता? 6000 रुपया में इस समय क्या होने वाला है? नीतीश सरकार और मोदी सरकार बड़ी बड़ी बात करता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उनकी देश की बेटियां सारे रोड पर बैठी है, उसको शर्म आना चाहिए कि वो एसी में बैठ के क्या कर रहे हैं। 6000 में इतना महंगाई में क्या हो रहा है? कहने को तो कहते हैं कि ड्यूटी है, लेकिन करवाते हैं 12-16 घंटा ड्यूटी हम लोग। तब क्या हम लोग रात रात भर 8-8 बजे रात तक से हम लोग ड्यूटी करते हैं, समझ गए? 8 बजे रात तक से हम लोग ड्यूटी करते हैं। कहने को तो कहते हैं कि 4 घंटा का ड्यूटी है। हम लोग को इसी यही बात की लड़ाई है कि अगर आपको 12 घंटा ड्यूटी कराना है तो हम लोग को सरकारी कर्मचारी का। आपकी मांग क्या है? आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, हम लोग तनख्वाह कम से कम 20,000 कर दीजिए, तब हम लोग कम से कम 5,000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। हम लोग मिनिमम मांग रहे हैं उनसे, कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं कि हम लोग काम करने के लिए बाहर आए हैं, काम करवाइए लेकिन हम लोग को मजदूरी दीजिए, लेकिन ये भी नहीं सुन रहे हैं। और सरकार तो दम भरती है, आप ही लोग के दम पे नीतीश सरकार चल रही है, पर आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जितना काम है धरती पर, जितना सारा काम है जन्म से लेकर मृत्यु तक, सारा रिपोर्ट हम लोग सरकार के यहाँ पहुँचाते हैं। हम लोग अगर 10-20 दिन अगर हड़ताल पर बढ़ जाएं तो सरकार का एक भी रिपोर्ट नहीं जाएगा। कोई ऐसा कर्मचारी में दम नहीं है जितना हम लोग जितना काम करके दिखा रहे हैं। घर घर जाते हैं, घर घर जाते हैं, हर घर का रिपोर्ट रखते हैं कि किसके घर में 18 बरस की लड़की है, किनके घर में 0 से 18 बरस की लड़की है, किनके घर में 60 बरस का आदमी है, कितने घर में, घर घर का न्यूज आप सब लोग, सब घर का हम लोग का न्यूज रहता है हम लोग के पास, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम अपने मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं, चाहे धूप हो चाहे कुछ हो, लाठी बरसे। कब तक आप लोग यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे? हम लोग जब तक हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग इसी धरने पर बैठे रहेंगे जी लगातार। और सरकार पुलिसिया कार्रवाई करती है तब क्या की? वो हम लोग मंजूर है, जो भी उन्हें कार्रवाई करे वो हमें मंजूर है, लेकिन हम लोग अपने मांग से हटने वाले नहीं है। हम लोग डंडा सब खाने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन अपना मांग पूरा करवा के जाएंगे।